गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द क्लास दोस्तों। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूर्ण विराम लगाने की। चैप्टर के कुछ एडवांस क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। एडवांस का मतलब कतई ये नहीं होगा कि कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये बात बोली, चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही चीज होगी जो आपको समझनी होगी, दैट्स अ लैंग्वेज। अब उसी लैंग्वेज का एडवांस थोड़ा सा वर्जन और देखते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन्स एवरीवन। ग्लोरिया एंड स्वैनसन लिमिटेड हैज टू पास टू द हैंड्स ऑफ अ रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर्स हु हेल्ड चार्ज ऑन ऑल एसेट्स एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल। द फॉलोइंग इज द पोजिशन एज प्रिपेयर्ड बाय द रिसीवर। शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच फुली पेड अप, 1 lakh shares of 50 each, ₹25 per share paid up, first debenture, second debenture, unsecured creditors, bank balance, building and machinery, estimated to realize 15 lakhs and books mein hai 40 lakh ki. Following is the interest of Gloria and Swanson in the company. First debenture, Gloria 20 lakhs, Swanson 5 lakhs. Second debenture, Gloria 30 lakhs, Swanson 20 lakhs. Unsecured creditors 6 lakh and 9 lakh, Gloria and Swanson. Aur Gloria Swanson ka share capital mein bhi hissa hai. Fully paid shares mein 5 lakh, 5 lakh. Aur partly paid shares mein Gloria 10 lakhs, Swanson 10 lakhs. The following scheme of reconstruction is proposed. Gloria is to cancel 31 lakh of his total debt. Pay cash rupees 5 lakh. And he would be issued rupees 30 lakh new first debentures in lieu of first and second debentures to be cancelled. Swanson is to cancel his total debt by accepting rupees 5 lakh in cash and rupees 5 lakh in new first debentures. Swanson is to surrender for cancellation rupees 5 lakh worth of fully paid shares. Everyone, surrender for कैंसिलेशन, किसी को आगे री इश्यू नहीं होने हैं, इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए सरेंडर है, तो क्या एंट्री पास करें? इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। परफेक्ट एवरीवन। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ग्लोरिया एंड स्वैनसन अग्री टू रिड्यूस देयर डेट बाय 20% एंड एक्सेप्ट इन लियू देयर ऑफ 1 lakh शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप एंड द बैलेंस इन कैश पेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। Uncalled capital is to be called up in full and rupees 40 per share to be cancelled, thus making these shares of rupees 10 each. Assuming the scheme is duly approved by all the parties interested and by the court, show the reconstructed balance sheet and the journal entries in the books of the company. Question padh liya sabne dosto? Chaliye question ki first line pe dobara aajaiye. First line ko dobara padhiye. क्या कहता है दोस्तों? ग्लोरिया एंड स्वैनसन लिमिटेड हैज टू पास टू द हैंड्स ऑफ द रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर्स हु हेल्ड चार्ज ऑन ऑल एसेट्स एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल। बस इतनी सी लाइन दोस्तों। पहले तो इस लाइन का मतलब ही क्या है, क्योंकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों तो बच्चा इस लाइन को पढ़ के ही घबरा जाता है, क्या कहना चाह रहा है, राइट? दैट्स अ न्यू लैंग्वेज फॉर यू। तो पहले समझते हैं दोस्तों। दोस्तों डिबेंचर होल्डर्स कंपनी में बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? कंपनीज एक्ट में डिबेंचर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए डिबेंचर ट्रस्ट बनाने का प्रोविजन है कि ट्रस्टी बनाए जाते हैं। डिबेंचर्स नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं। दे माइट बी सिक्योर्ड अगेंस्ट अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स, दे माइट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज। आप समझते हैं स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? नहीं, स्पेसिफिक या फिक्स चार्ज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एसेट के ऊपर चार्ज होना। यानी मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक के पास अपनी गुड़गांव प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है, तो बैंक का चार्ज मेरी गुड़गांव प्रॉपर्टी में है। अगर मेरे पास पुणे में एक प्रॉपर्टी है, दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है, उस पर बैंक का कोई चार्ज नहीं है। दे हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ओवर वन प्रॉपर्टी विच इज माई गुड़गांव प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं फिक्स चार्ज या स्पेसिफिक चार्ज, पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज होना। दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज या तैरता हुआ चार्ज। फ्लोटिंग वो बिजनेस के सारे एसेट्स पे चार्ज है, करंट एज वेल एज फ्यूचर एसेट्स पे भी, जो आप फ्यूचर में भी खरीदेंगे उस पे भी उनका अधिकार होगा। तो अगर मान लीजिए
मैंने डिवेंचर होल्डर्स के फेवर में फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है, फ्लोटिंग चार्ज। सो इसका मतलब मेरे बिजनेस के सारे एसेट्स पे उनका चार्ज है, लेकिन ये चार्ज फिक्स चार्ज से सेकेंडरी होता है। फिक्स चार्ज से सेकेंडरी का मतलब अगर कभी मैं पैसा नहीं चुका पाता और बैंक वाले गुड़गांव प्रॉपर्टी की ऑक्शन करवाते हैं, बैंक वालों का चार्ज किस चीज पे दिया था मैंने, वो गुड़गांव प्रॉपर्टी, तो गुड़गांव प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा उसमें पहला अधिकार बैंक वालों का होगा, क्योंकि उनका स्पेसिफिक चार्ज था। उनको देने के बाद भी अगर उस प्रॉपर्टी से कुछ पैसा आता है, वो पैसा फिर इन डिबेंचर होल्डर्स को मिल सकता है। बाकी सारे एसेट से कुछ पैसा आता है, वो भी इन डिबेंचर होल्डर्स को मिल सकता है उनके क्लेम तक। दैट्स कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज, सारे एसेट्स पे चार्ज होना। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? सो हमारे केस में डिबेंचर होल्डर्स का चार्ज है ऑन ऑल एसेट्स सिवाय अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल जो अभी तक मंगवाई नहीं गई है, क्या कंपनी मंगवा सकती है? लेकिन मंगवाएगी तो डिबेंचर होल्डर्स का उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उनका चार्ज सारे एसेट्स पे है, अनकॉल्ड कैपिटल पे नहीं है। अब अगर कभी कंपनी की हालत खराब होती है दोस्तों, तो डिबेंचर होल्डर्स क्या करेंगे, दे वुड टेक द एसेट्स इन देयर चार्ज और उसका ऑक्शन करवाएंगे, ऑक्शन करवा के अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। राइट? सब हो मेरे साथ दोस्तों? भाई डिबेंचर होल्डर तो इतने सारे हो सकते हैं, लाखों डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, तो किस किस के फेवर में चार्ज क्रिएट होगा? तो एक ट्रस्ट बनाई जाती है, ट्रस्टी अपॉइंट होते हैं, ट्रस्टीज आर सपोज टू एक्ट इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो जब भी कभी कंपनी की हालत बुरी होती है, कंपनी बंद होने वाली हो, तो डिबेंचर होल्डर्स के जो ट्रस्टीज होते हैं वो एक एक्सपर्ट पर्सन अपॉइंट करते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड रिसीवर। आपने कभी लिक्विडेटर का नाम सुना? लिक्विडेटर, जो इसका काम होगा कंपनी के सारे एसेट्स को बेचना, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना, यानी कंपनी के बाइंडिंग अप का काम करवाना, लिक्विडेशन का काम करना। नाउ रिसीवर अपॉइंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर पार्टी के बिहाफ पे, जैसे डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे अपॉइंट किया जा रहा है एक एक्सपर्ट पर्सन, उसका नाम है रिसीवर। वो अब एसेट्स को अपने चार्ज में लेगा, उनकी ऑक्शन करवाएगा और प्रायोरिटी ऑर्डर में पेमेंट्स करेगा, जिसको पहले पैसा जाना है उसको पहले जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स तक की पेमेंट ये पार्टी हैंडल करेगी, रिसीवर। और एक बार डिबेंचर होल्डर्स को पैसा मिल गया, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है, वो पैसा लिक्विडेटर को दे जाएगा कि आप बाकी लिक्विडेशन हैंडल कर लेना। तो रिसीवर किसके बेनिफिट के लिए अपॉइंट किया जा रहा है हमारे क्वेश्चन में? डिबेंचर होल्डर्स के लिए। सब हो मेरे साथ दोस्तों? तो कंपनी की हालत बुरी थी और इस वजह से ये कंपनी रिसीवर के पास जा रही है, यानी द कंपनी हैज टू पास टू द हैंड्स ऑफ रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर्स। यानी डिबेंचर होल्डर्स ने डिसाइड किया कि अब एक रिसीवर अपॉइंट करते हैं और सारे एसेट्स उसके फेवर में वो ले लेगा अपने कंट्रोल में और फिर ऑक्शन करवाएगा। ठीक है दोस्तों? द फॉलोइंग इज द पोजिशन एज प्रिपेयर्ड बाय द रिसीवर। रिसीवर ने ये पोजिशन मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज आइडेंटिफाई किए हैं कि आज के दिन कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितने की लाइबिलिटीज हैं। कैपिटल में दोस्तों 20,000 शेयर्स हैं 50 वाले फुली पेड अप, 100,000 शेयर्स हैं 50 वाले 25 पेड अप, यानी अनकॉल्ड कैपिटल है 100,000 शेयर्स पे ₹25, यानी ₹25,00,000। फर्स्ट डिबेंचर है, सेकेंड डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। तो ये सारे कंपनी की लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हैं। और एसेट्स में आपके पास बैंक बैलेंस है, बिल्डिंग एंड मशीनरी है, और आगे देखिए बिल्डिंग एंड मशीनरी के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। तो अब आप लोग सोच के मुझे जवाब देंगे, दोस्तों ये जो रिसीवर है इसका बेसिक पर्पस क्या था? बुक्स में क्या है वो देखना, या कितने में चीज बिक सकती है वो देखना? इसीलिए वो आपको बता रहा है बिल्डिंग एंड मशीनरी इससे एस्टिमेटेड रिलाइज है ₹15,00,000, लेकिन बुक्स में कितने की है ये? ₹40,00,000। रिसीवर वुड बी मोर कंसर्न्ड विद कितने में चीज बिक सकती है, बिकॉज उसको तो चीजें बेचकर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। राइट एवरीवन? ये अभी तक जो कहानी दी गई है ये सारी रिसीवर ने प्रिपेयर करी है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरिया एंड स्वैनसन इन द कंपनी। ये दो पार्टीज है दोस्तों, एक ग्लोरिया एक स्वैनसन, उनका कंपनी में कितना इंटरेस्ट है वो बताया जा रहा है। फर्स्ट डिबेंचर ग्लोरिया के पास है 20,00,000 के, स्वैनसन के पास 5,00,000 के। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सी ऊपर फर्स्ट डिबेंचर टोटल कितने के हैं और ग्लोरिया स्वैनसन के मिलाकर, यानी यही दोनों लोग फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स हैं। सेकेंड डिबेंचर देखिए 30,00,000 और 20,00,000 और ऊपर देखिए, यानी यही दोनों लोग हमारे सारे डिबेंचर होल्डर्स हैं। ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी किया था दोस्तों, जहां पर एक दो पार्टी थी सारे डिबेंचर होल्डर्स थी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 6,00,000 और 9,00,000 कुल मिलाकर ये बनते हैं 15,00,000 और ऊपर आ रहे हैं 40,00,000 के, यानी 25,00,000 के अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हैं, राइट, आउटसाइडर्स।
ग्लोरिया स्वैनसन का शेयर कैपिटल में भी हिस्सा है, फुली पेड शेयर्स में 5 लाख और 5 लाख। ऊपर देखिए फुली पेड वाले शेयर्स हैं, तो यही फुली पेड वाले शेयर होल्डर्स भी हैं। पार्टली पेड वाले शेयर्स में ग्लोरिया 10 लाख, स्वैनसन 10 लाख, कुल मिलाकर 20 लाख, लेकिन ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कुछ 5 लाख के दूसरे शेयर होल्डर्स भी हैं दोस्तों, ग्लोरिया स्वैनसन के अलावा वाले, जिनका इंटरेस्ट पार्टली पेड शेयर्स में है। यहां तक बात ओके है दोस्तों? आगे देखें, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रपोज्ड। एवरीवन, ऊपर कह रहा था द कंपनी इज टू पास टू द हैंड्स ऑफ रिसीवर, यानी ऐसी हालत हो गई है कंपनी को बंद करने की नौबत सी आ रही है, लेकिन अब क्या कह रहा है, एक स्कीम प्रपोज की गई है रिकंस्ट्रक्शन की, कंपनी को बचाने की, बिना लिक्विडेट किए कंपनी को चलाते रहने की स्कीम प्रपोज की गई है। उस स्कीम में ग्लोरिया इज टू कैंसिल 31 लाख ऑफ इट्स टोटल डेट, 31 लाख रुपए वो छोड़ देगा अपने डेट के, और 5 लाख रुपए पे करेगा कंपनी को, एंड ही वुड बी इश्यूड 30 लाख न्यू फर्स्ट डिबेंचर इन लियू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिबेंचर्स टू बी कैंसिल। जरा ऊपर आराम से देख के बताइए दोस्तों, ग्लोरिया का कितना हिस्सा है डेट में, कैपिटल में नहीं, डेट में कितना हिस्सा है? एवरीवन 56 लाख रुपीज, ये 56 लाख रुपए। इसके अलावा ऊपर देख लीजिए, कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है क्या? देयर इज नो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो ग्लोरिया का हिस्सा है डेट में 56 लाख, वो 5 लाख रुपए और देगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 61, और 31 लाख वो कैंसिल कर देगा, कितना बच गया बाकी 30 लाख के लिए वो डिबेंचर्स मांग रहा है। 56 लाख का वो आज डेट होल्डर है, 56 में से 31 लाख वो कैंसिल करने को तैयार है, बाकी बच गया 25 लाख, वो 5 लाख रुपए अपने घर से और ला रहा है, टोटल हो गया 30 लाख। वो कह रहा है 30 लाख के मुझे डिबेंचर्स दे दो। इज दैट ओके एवरीवन? स्वैनसन को भी देख लीजिए, स्वैनसन का हिस्सा कितना है डेट में? 34 लाख। स्वैनसन इज टू कैंसिल हिज टोटल डेट बाय एक्सेप्टिंग 5 लाख इन कैश एंड 5 लाख इन न्यू फर्स्ट डिबेंचर। तो स्वैनसन कह रहा है मैं 34 लाख में से मुझे 5 लाख कैश दे दो और 5 लाख के नए डिबेंचर दे दो, कितना छोड़ रहा है 24 लाख का सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट? ग्लोरिया सैक्रिफाइस 31 लाख, स्वैनसन सैक्रिफाइस 24 लाख इन डेट। आगे बेटा, स्वैनसन इज टू सरेंडर फॉर कैंसिलेशन 5 लाख वर्थ ऑफ फुली पेड शेयर्स। स्वैनसन साथ में अपने इक्विटी शेयर फुली पेड अप वाले वो भी छोड़ रहा है दोस्तों 5 लाख रुपए। इज दैट ओके बेटा? आगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ग्लोरिया एंड स्वैनसन, यानी हम कितने लोग, कितने के अमाउंट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अदर देन ग्लोरिया एंड स्वैनसन। बेटा ग्लोरिया एंड स्वैनसन को मिला के 15 लाख के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे और ऊपर टोटल है 40 लाख, यानी अदर देन ग्लोरिया एंड स्वैनसन है तो हम 25 लाख के क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ग्लोरिया एंड स्वैनसन अग्री टू रिड्यूस देयर डेट बाय 20%। 5 लाख से वो अपना डेट रिड्यूस करने को तैयार हो गए हैं, बाकी कितना बच गया 20 लाख, एंड एक्सेप्ट इन लियू देयर ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप एंड द बैलेंस इन कैश पेबल इन 5 equal annual installments। 5 लाख रुपए वो छोड़ने को तैयार हैं और बाकी बचा 20 लाख, 20 लाख के लिए वो लेने को तैयार हैं 10 लाख रुपए शेयर्स की फॉर्म में और बाकी 10 लाख 5 equal annual installments में। इज दैट ओके एवरीवन? सब हो साथ में दोस्तों? तो 25 लाख के क्रेडिटर्स पूरे खत्म हो गए, 5 लाख उन्होंने रिड्यूस कर लिया और 10 लाख शेयर्स ले रहे हैं और बाकी 10 लाख के बदले दे आर आस्किंग फॉर 5 annual installments ऑफ पेमेंट, राइट? तो इट्स लाइक जैसे लोन बना दिया, सालाना किस्तों में पे होगा 5 किस्तों में 2-2 लाख करके। नेक्स्ट, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। अनकॉल्ड कैपिटल कितनी थी दोस्तों? अनकॉल्ड कैपिटल थी 25 रुपए 1 लाख शेयर्स पे। बेटा स्वैनसन ने जो कैंसिल किए थे वो फुली पेड अप वाले शेयर्स थे, पार्टली पेड वाले कैंसिल नहीं किए थे, सरेंडर नहीं किए थे। तो 1 लाख पार्टली पेड वाले सारे शेयर्स अभी अवेलेबल हैं, उन पे 25 लाख रुपए मंगवा लीजिए, एंड 40 per share टू बी कैंसल्ड। रुकिएगा दोस्तों बच्चे, इस 10 लाख में से ग्लोरिया के 5 लाख थे, स्वैनसन के 5 लाख थे, स्वैनसन वाले 5 लाख कैंसिल हो गए, बचे अब सिर्फ 5 लाख, और इस 25 लाख में आपने 25 लाख और मंगवा लिए, ये टोटल हो गया 50 लाख। अब ये 55 लाख की आपकी फुली पेड अप कैपिटल थी, 50 रुपए वाला शेयर फुली पेड अप। नीचे क्या कह रहा है, 40 per share टू बी कैंसल्ड, thus मेकिंग these shares ऑफ rupees 10 each।
तो सारे शेयर्स पे 40 रुपए का सैक्रिफाइस ले लीजिए, 10 रुपए का नया नया फेस वैल्यू हो जाएगा। सॉरी बेटा, सेकंड केस हो गया, 10 रुपए वाला नया शेयर। इज दैट ओके एवरीवन? आगे, अज्यूमिंग द स्कीम इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड एंड बाय द कोर्ट, शो द रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन समझ आता है सबको? एवरीवन, दोबारा से, कौन सा बेटा अनकॉल्ड कैपिटल? आप ही बता दीजिए सब, इतना सा पढ़ के बता दूं। अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप इन फुल, लेट मी जस्ट, ये लो बेटा, अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप इन फुल, बस इतना सा पढ़ के क्या मतलब हुआ? तो मंगवा लो, कितना है बेटा वो? सॉरी, ना ना ना, ऊपर अनकॉल्ड कैपिटल देखो, 1,00,000 शेयर्स पे 50 वाले शेयर्स 25 पेड अप थे, तो 25 अभी नहीं मंगवाए थे, वो 25 मंगवा लीजिए। जैसे आप मंगवा लेंगे, क्या ये 1,00,000 शेयर्स अब फुली पेड अप हो जाएंगे? तो 25,00,000 की कॉल कर लीजिए, ठीक है? ऊपर वाले शेयर्स पहले से फुली पेड अप थे, वो कितने अमाउंट के थे दोस्तों? 10,00,000। लेकिन 10,00,000 में ग्लोरिया और स्वैनसन ये दोनों थे, और ग्लोरिया के शेयर्स तो बचे हुए हैं, स्वैनसन वाले शेयर्स, पॉइंट नंबर सी देखो, पॉइंट नंबर सी में स्वैनसन वाले शेयर्स कैंसिल हो गए थे, तो अब फुली पेड अप वाले बचे ही कितने? 5,00,000 ये, और ये भी तो फुली पेड अप हो गए बेटा कॉल मंगवाने के बाद, और ये सारे 50 वाले शेयर्स हैं, 55,00,000 के हो गए। यस और नो? हाँ या ना? नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताता हूं बेटा, लेकिन उसके लिए फिर 5 मिनट सामने ही देखना है दोस्तों, ठीक है? इधर उधर ध्यान से काम नहीं बनता है। यहां देखिए, पहले ये बताइए, ग्लोरिया और स्वैनसन के पास कैपिटल कितनी कितनी थी? कैपिटल में फुली पेड अप में उनका 5-5 का हिस्सा था, राइट ना? और स्वैनसन ने नीचे पॉइंट नंबर सी में, देखिए पॉइंट नंबर सी में क्या बोला, स्वैनसन अपना 5,00,000 फुली पेड अप वाले शेयर्स कैंसिल कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, यानी ये वाले तो खत्म हो गए ना दोस्तों। यस और नो? तो ऊपर फुली पेड अप वाले कितने बच गए? सिर्फ ये 5,00,000 के बच गए, मान लू ये बात? यस और नो एवरीवन? अच्छा, अब पार्टली पेड शेयर्स बताइए कितने कितने? पार्टली पेड शेयर्स, ये 1,00,000 शेयर्स थे, 50 वाले 25 पेड अप, राइट? इस पे पहले फाइनल कॉल मंगवा लीजिए, फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 25 रुपए आपने मंगवा लिए, अब ये शेयर्स कितने के हो गए? तो अब ये शेयर्स फुली पेड अप हो गए, मान लू ये बात, और ये शेयर्स हो गए अब 50,00,000 रुपए के, 1,00,000 शेयर्स, 50 वाले फुली पेड अप। अब आपके टोटल फुली पेड शेयर्स कितने हैं? 55,00,000 रुपीज के, मान लू ये बात बेटा। और अब नीचे क्या बोलता है वो लाइन पढ़िए, 40 पर शेयर टू बी कैंसल्ड, इन 50 वाले शेयर्स जो फुली पेड अप वाले हैं उनमें से 40 रुपए कैंसिल कर दीजिए, दस मेकिंग दीज शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अगर 50 वाले शेयर में से 40 कैंसिल कर दोगे तो बचे कितने? वही कह रहा है बेटा और कुछ नहीं। इज दैट ओके? हाँ ओके। बस दोस्तों, अब आपको एंट्रीज पास करनी है बैलेंस शीट। यस बेटा, फर्स्ट वाली ग्लोरिया, पहले तो आपने पुराने सारे क्वेश्चन किए हैं, पक्का? पक्का ना? एक बार फटाफट से 10th क्वेश्चन खोलते हैं, ओपन अप 10th क्वेश्चन। एग्जैक्टली सेम चीज वहां भी थी। ये मेरे बच्चे मिस्टर ए, मिस्टर बी, राइट? बट कोई बात नहीं, एक बार दोबारा कर लेते हैं बेटा, हमारी हमारी मेमोरी की कैपेसिटी थोड़ी लिमिटेड होती है, उस बात को मानते हुए एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सामने देखे दोस्तों, ये बेटा 56,00,000 का टोटल डेट था ग्लोरिया का, 56, और फर्स्ट पॉइंट में ग्लोरिया अपने घर से क्या लेके आ रहा है? 5,00,000। 56 में और 5,00,000 घर से लेके आ रहा है, कितना हो गया? 61,00,000। इस 61,00,000 में से वो 31,00,000 कैंसिल करा रहा है, बचा कितना दोस्तों? वो कह रहा है 30,00,000 के नए डिबेंचर दे दो, बस जो बैलेंस बचता उसको दे, डिबेंचर दे दो, ठीक है? चलिए अब बस ये बता दीजिए दोस्तों एवरीवन, पॉइंट नंबर 1 को देखिए, देयर इज अ सैक्रिफाइस, पॉइंट नंबर 2 को देखिए, देयर इज अ सैक्रिफाइस, पॉइंट नंबर 3 को देखिए, पॉइंट नंबर 4 को देखिए,
ये सारे सैक्रिफाइस हो किस चीज के लिए रहे हैं? सॉरी, रिकंस्ट्रक्शन के लिए. बट रिकंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या था? सैक्रिफाइस लेके करना क्या था उसका? लॉस एसेट्स को राइट डाउन करना, लॉसेस को राइट ऑफ करना. करना था दोस्तों. लॉसेस कहां है? लॉसेस निकालना पड़ेगा दोस्तों. अक्यूमुलेटेड लॉस की फिगर निकालनी पड़ेगी. राइट दोस्तों, हमने पहले भी ये चर्चा करी थी, अगर कभी आपको बैलेंसेस दिए हो और अक्यूमुलेटेड लॉस की फिगर ना दी हो तो उस फिगर को पहले ढूंढिए और उस लॉस को राइट ऑफ कीजिए. इज दैट ओके एवरीवन? चलिए अब ये बता दीजिए, रिसीवर अपॉइंट हुआ था किस पर्पस के लिए? रिसीवर अपॉइंट हुआ था डिवेंचर होल्डर्स के पर्पस के लिए. लेकिन क्या डिवेंचर होल्डर्स के साथ ये स्कीम अग्री कर ली गई है दोस्तों? डिवेंचर होल्डर्स तो दो ही हैं, ग्लोरिया और स्वैनसन. तो क्या अब भी रिसीवर का कोई रोल है या वो कहानी खत्म हो गई? वो चीज खत्म हो गई दोस्तों. दे अग्रीड टू अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. तो ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपको सिर्फ बैलेंसेस बताने के लिए दी है, अदरवाइज द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज नाउ बीन अप्रूव्ड एंड द रोल ऑफ रिसीवर इज नाउ नो लॉन्गर वैलिड. इज दैट ओके दोस्तों? चलिए आ जाइए दोस्तों. चलिए पहली एंट्री बात करते हैं दोस्तों. तो पहले ग्लोरिया को सारा डेट ड्यू करते हैं. लेट्स मेक हिज डेट ड्यू. तो फर्स्ट डिबेंचर ₹20,00,000, सेकेंड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट ₹30,00,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट ₹6,00,000, बैंक अकाउंट डेबिट ₹5,00,000 टू ग्लोरिया. Being amount of debt due to Gloria, including amount brought in और अब 61,00,000 के dues में से Gloria is ready to cancel 31,00,000 और बाकी बचे 30,00,000 के बदले they are asking for new first debentures. So in lieu of 61,00,000, 31,00,000 surrendered, cancelled and balance 30,00,000 ke new first debentures being debt due to Gloria settled. Theek hai beta, ab Swanson pe chalte hain. स्वैनसन की एंट्री आप ही बता देंगे. स्वैनसन के लिए टू स्वैनसन. चलिए पहले डेट ड्यू कर देते हैं. फर्स्ट डिबेंचर्स ₹5,00,000, सेकेंड डिबेंचर्स
That's 20 lakh rupees. Unsecured creditors. And these are 9 lakh rupees. ये अपने घर से कुछ नहीं ला रहा है दोस्तों. तो टू स्वैनसन एंड दैट्स अ टोटल अमाउंट ऑफ 34 लाख्स. और इस डेट की सेटलमेंट हो रही है, 5 लाख रुपए उसे इमीडिएटली पे किए जा रहे हैं और बाकी 5 लाख फर्स्ट डिबेंचर्स में, न्यू फर्स्ट डिबेंचर्स में, और बाकी 24 लाख वो कैंसिल कर रहा है. तो स्वैनसन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू न्यू फर्स्ट डिबेंचर्स अकाउंट बैंक में आ रहे हैं दोस्तों 5 लाख रुपए बैंक से पे किए जा रहे हैं. न्यू फर्स्ट डिबेंचर 5 लाख के और 24 लाख रुपए का कैपिटल रिडक्शन. बीइंग डेट ड्यू टू स्वैनसन सेटल्ड. तो ग्लोरिया और स्वैनसन के डेट की सेटलमेंट के बाद स्वैनसन इज टू सरेंडर फॉर कैंसिलेशन रुपीज 5 लाख वर्थ ऑफ फुली पेड शेयर्स. 5 लाख के शेयर्स भी वो सरेंडर कर रहा है इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए. एंट्री बोल दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ये लीजिए दोस्तों. And this is 5 lakh rupees. Being shares surrendered by Swanson cancelled. नेक्स्ट वन दोस्तों, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ग्लोरिया एंड स्वैनसन. यानी बात हो रही है बाकी 25 लाख रुपए की. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनका क्या किया जा रहा है दोस्तों? इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 20% तो वो छोड़ रहे हैं. वो कहां डाल दूं? बाकी 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल और बाकी 10 लाख 5 इंस्टॉलमेंट से पे होने हैं, राइट? मैं उसे लोन में कन्वर्ट कर रहा हूं दोस्तों. जैसे 5 किस्तों में पे होता है लोन, तो आई एम ट्रांसफरिंग दैट बैलेंस अमाउंट टू लोन. आप चाहें तो उसे क्रेडिटर्स में ही छोड़ सकते हैं, बट सिंस इट्स आस्किंग फॉर कि 5 इंस्टॉलमेंट से पे करना है, आई एम ट्रांसफरिंग इट टू अ लोन अकाउंट. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 25 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड दैट कैपिटल रिडक्शन इज 20% ऑफ 25 लाख्स, 5 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मैं चाहूंगा आप सब लोग देखें इक्विटी शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं. 1 लाख शेयर्स 10 रुपए वाले. अगेन माइंड यू दोस्तों, 10 रुपए वाले, यानी नई क्लास हमारी अब वही 10 रुपए वाली है. इन शेयर्स को रिड्यूस नहीं करना, ये तो ऑलरेडी 10 वाले इशू हो रहे हैं, राइट? 10 लाख रुपए टू लोन अकाउंट बैलेंस 10 लाख रुपीज.
being settlement of unsecured creditors. Other than Gloria and Swanson. Right everyone? उसके बाद अनकॉल्ड कैपिटल को मंगवाना है, तो आइए अनकॉल्ड कैपिटल मंगवा लेते हैं बेटा. दिस इज एंट्री नंबर 7. तो चलिए कैपिटल फाइनल कॉल करनी है. फाइनल कॉल की एंट्री बोले शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बींग फाइनल कॉल मेड. और ये है दोस्तों 1,00,000 शेयर्स पे 25 रुपीज. 25 लाख रुपए और ये फाइनल कॉल का पैसा हम रिसीव कर लेते हैं दोस्तों. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. Being final call received. Right? Next. Final call का पैसा लेने के बाद अब सारे fully paid शेयर में से 40 रुपए कम कर दीजिए. बेटा 40 कम कौन से शेयर में से करने हैं? जो 50 वाले शेयर हैं, जो अभी आपने पिछली एंट्री में देखिए, जो आपने क्रेडिटर्स को दिए, वो तो है ही 10 वाले शेयर. वो तो आप इशू ही नहीं क्लास वाले कर रहे हैं. क्या इसमें से भी कुछ कम करना है? वो तो बेचारा शेयर ही 10 का है दोस्तों, 40 का तो स्कोप ही नहीं है उसका कम होने का. तो जो कम करना है वो सिर्फ 50 वाले फुली पेड शेयर्स में से. तो लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 50 वाला शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10 वाला शेयर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. तो दोस्तों 1,10,000 शेयर्स हैं कंपनी के जो फुली पेड अप हैं. पहले 20,000 शेयर में से 10,000 कैंसिल हो चुके हैं, तो बचे हैं 1,10,000 शेयर्स, यानी ये 55 लाख रुपए की कैपिटल. और इस 55 लाख वाली कैपिटल के बदले आप उन्हें दे रहे हैं 1,10,000 शेयर्स 10 रुपए वाले, यानी 11 लाख रुपए. और जो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं दैट्स 1,10,000 इनटू 40, 44 लाख रुपीज. बीइंग रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. Being reduction of equity share capital. बेटा ये entry pass करते ही अब हमारी company के shares कितने वाले हो गए? 10 वाले. और जो creditors को दिए थे वो भी इसी same class के थे, right? तो बेटा जितने sacrifice लेने थे वो सारे ले लिए. अब आ जाते हैं losses के लिए. तो let's pass the entry for losses. Capital reduction account debit to हो losses की तो figure ही नहीं है हमारे पास. तो आइए लॉसेस की फिगर की वर्किंग करें. तो लेट्स प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस एज ऑन. बेटा डेट तो है नहीं, दिस इज बिफोर
reconstruction. तो इक्विटी और लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी, एसेट्स कम होंगे, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स कर देते हैं, यू विल गेट टू योर लॉसेस फिगर. तो हमारे पास शेयर कैपिटल थी, फुल्ली पेड अप वाली 10 लाख रुपए की, पार्टली पेड अप वाले शेयर्स थे हमारे पास 25 लाख रुपए के. हमारे पास फर्स्ट डिबेंचर्स थे 25 लाख रुपए के, सेकंड डिबेंचर्स थे 50 लाख रुपए के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 40 लाख रुपीस. ये सारी हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज थी दोस्तों, इमीडिएटली बिफोर रिकंस्ट्रक्शन कमेंस्ड, एंड दिस वर्क्स आउट टू 1,50,00,000 रुपीस. इसमें से माइनस कर देते हैं अपने एसेट्स. हमारे एसेट्स की पोजीशन थी दोस्तों, बैंक बैलेंस 30 लाख रुपीस और बिल्डिंग एंड मशीनरी. बेटा बिल्डिंग एंड मशीनरी बुक्स में था 40 लाख रुपए का. आप तो बुक वाला लॉस निकाल रहे हो, राइट? बुक्स में कितना अक्यूमुलेट लॉस था? तो ये आ गया दोस्तों आपका अक्यूमुलेटेड लॉस, यानी पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस. एंड दिस इज 80 लाख रुपीस. तो 80 लाख के अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जो क्वेश्चन ने छुपाए हुए हैं, वो लॉसेस राइट ऑफ करने ही करने हैं दोस्तों. इज दैट ओके बेटा? बढ़ चले आगे ऑल ऑफ यू. तो लीजिए ये लॉसेस राइट ऑफ करते हैं 80 लाख रुपीस. लगे हाथ बेटा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना लेते हैं और कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस भी निकाल लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 2, ओके 2 मिनट में उसकी बात करता हूं बेटा. ओके एवरीवन, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के लिए ऊपर से एंट्रीज देखना शुरू कीजिए. पहली एंट्री में क्या हुआ है? फर्स्ट एंट्री में कुछ नहीं है दोस्तों, सेकंड एंट्री में ग्लोरिया 31 लाख्स, थर्ड में कुछ नहीं है, फोर्थ एंट्री में स्वैनसन 24 लाख्स, फिफ्थ एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए. चलिए पोस्टिंग करें पहले जरा इसकी. बाय ग्लोरिया 31 लाख्स, बाय स्वैनसन 24 लाख्स, और फिर बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीस. सिक्स्थ एंट्री में दोस्तों कैपिटल रिडक्शन में गया है 5 लाख रुपए बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. सेवेंथ में कुछ नहीं, एट्थ में कुछ नहीं, नाइन्थ में गया है 44 लाख्स. तो ये लीजिए बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 5 लाख रुपीस, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 44 लाख रुपीस. ये हो गए दोस्तों सारे सैक्रिफाइसेस. जरा देखें टोटल कितना बनता है, 1 करोड़ 40 लाख्स. ओके 55 लाख्स प्लस 10 लाख्स प्लस, बेटा ये 1 करोड़ 9 लाख बन रहा है.
1 crore 9 lakh. कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कैलकुलेटर के पैसे उसने पूरे ना दिए हो और दुकानदार की बद्दुआएं फिगर्स में दिखाई दे रही हो। ठीक है, दे देना बेटा पूरे, आ जाओ वापस। ओके, कमिंग बैक दोस्तों, अब लॉसेस राइट ऑफ करने हैं। सबसे पहले पीएनएल का लॉस राइट ऑफ कर दूं दोस्तों, दैट वाज 80 लाख, ये तो करना ही करना था दोस्तों, राइट? कर ले दोस्तों। ओके, चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, बच्चे की क्वेरी थी प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग, बिल्डिंग एंड मशीनरी के रिगार्डिंग। बिल्डिंग एंड मशीनरी 40 लाख की आ रही है बुक्स में, एस्टिमेटेड रियलाइज है 15 लाख रुपए, कितने का लॉस दिखाई दे रहा है? लेकिन रुकिएगा दोस्तों, इस पॉइंट के अराउंड दो ओपिनियंस हो सकती हैं, प्लीज इस बात को समझिएगा। ये 15 लाख रुपए किसने कहा था? रिसीवर ने। रिसीवर का काम क्या था दोस्तों? एसेट्स को बेचना। अगर ये बिजनेस बंद हो रहा होता तब हम ये एसेट बेचते, तब 15 लाख रुपए आते, लेकिन क्या हम इस बिजनेस को बंद कर रहे हैं या चला रहे हैं? तो दो ओपिनियंस हो सकती हैं यहां पे दोस्तों। अगर आप ये मानते हैं कि आज के दिन पे सही में इस एसेट की वैल्यू 15 लाख है तो इस लॉस को बुक कीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं, ये वैल्यू तो सिर्फ वो थी, अगर हम रियलाइज करते तो इतना मिलता, लेकिन हम तो यूज कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू इन यूज ज्यादा है। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम यूज करते रहे तो हमें फायदा कितने का मिलेगा। तो मुझे अगर ये लगता है कि मुझे फायदा पूरे 40 लाख का मिलेगा तो एसेट मेरे लिए कितने वर्थ का है? 40 लाख का, तब मैं ये लॉस बुक नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको, आप ये कहते हैं कि मेरे लिए तो इसकी सही दाम ही 15 लाख रुपए है, तब आपको ये 25 लाख का लॉस बुक करना चाहिए। मैं ये मान रहा हूं दोस्तों कि ये हमारी वैल्यू इन यूज भी 15 लाख रुपए है, तो मैं 25 लाख का ये लॉस बुक कर रहा हूं, राइट? आई एम बुकिंग दैट लॉस ऑफ 15 लाख। तो बिल्कुल नोट डालेंगे बेटा, ये दो ओपिनियंस की बातें हैं दोस्तों, बट फिर भी एक बार सोच लीजिए। मुझे बताएं, मेरे पास एक, मेरे, आई हैव अ कार, मेरी गाड़ी, मेरी बुक्स, बिजनेस की गाड़ी है, बुक्स में आ रही है 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीज, 10 लाख का एसेट है, इसका मतलब मुझे फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा 10 लाख के, राइट? वो 10 से ज्यादा के भी दे सकता है, लेकिन बुक्स में आ रहा है 10 लाख का मेरी लागत पे। आज अगर बेचने जाऊं तो वो 6 लाख का बिकता है दोस्तों, क्या मैं वो 6 लाख की वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता हूं? एट वॉट वैल्यू डू आई कैरी द एसेट? जितने की बेनिफिट्स मुझे देगा। तो आई कैरी माई एसेट एट द वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था दोस्तों को भी? आप बता सकते हैं दोस्तों, ऐसे शक्लें देखने लग जाते हैं जैसे पता नहीं पहली बार अकाउंटिंग देख रहे हैं। ये लो स्टॉक, स्टॉक को हम किस वैल्यू पे कैरी करते हैं एवरीवन? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड पीपी, मशीनरी। मशीनरी को हम किस वैल्यू पे कैरी करते हैं? मशीनरी को हम अपनी कॉस्ट के हिसाब से ही बुक वैल्यू पे कैरी करते हैं, राइट ना दोस्तों? वैसे आपने मशीनरी का रिवैल्यूएशन भी पढ़ा था, लेकिन वो रिवैल्यूएशन छोड़ते हैं। नॉर्मली हम किस वैल्यू पे कैरी करते हैं? कॉस्ट के हिसाब से जो बुक वैल्यू बनती है, यानी कॉस्ट को ही डेप्रिशिएट करते हुए जो आज वैल्यू आ रही होती। इतना भेदभाव क्यों दोस्तों? स्टॉक पे एनआरवी भी देखते हैं, एनआरवी का मतलब आज बेचे तो कितना मिलेगा, लेकिन मशीन के लिए ऐसा नहीं देखते, क्यों? हाँ बेटा बोल दे जरा। स्टॉक करंट एसेट है और मशीनरी लॉन्ग टर्म एसेट है। आप देखिए, स्टॉक आप किस पर्पस के लिए रख के बैठे हुए हैं? बेचने के लिए। तो उसकी आज की वैल्यू रिलेवेंट है, अगर वो लॉस दिख रहा है तो हम कंजर्वेटिव लोग हैं, वो लॉस हम बुक करते हैं। मशीन किस लिए रखी हुई है? बेचने के लिए या लॉन्ग टर्म यूज के लिए? तो आज हो सकता है बुक्स में उसकी वैल्यू 10 लाख हो, बेचने जाऊं तो उसका मार्केट प्राइस 6 लाख रुपए चल रहा है, लेकिन क्या मैंने बेचने के लिए रखी हुई है? What am I holding it for? For long term use. मेरे लिए उसकी use की value है 10 लाख रुपए. This is called value in use. कि अगर मैं use करता रहूंगा तो मुझे कम से कम 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा के benefits मिलेंगे. तो what is relevant for me? अगर मुझे 10 लाख के benefits मिलेंगे तो मैं books में कितने पे रखूं इसे? अपनी cost के हिसाब से 10 लाख पे ही रखता रहूंगा दोस्तों. लेकिन अगर मैं कहूं इसका value in use भी गिर गया है, ये 6 लाख ही मिलेगा, यही इसका value in use है, तब मेरा loss मुझे book कर लेना चाहिए दोस्तों, राइट एवरीवन? लेकिन अभी करंट क्वेश्चन में वापस आ जाइए। करंट क्वेश्चन में बुक्स में एसेट कितने का आ रहा है? 40 लाख और उसकी एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू है 15 लाख। ये 15 लाख तब है दोस्तों जब आज बेचा जाए।
हम बेचने का सोच रहे हैं या आगे यूज करने का सोच रहे हैं। तो अगर आप ये बात मानते हैं तो आप एसेट को बुक्स में कैरी कीजिए एट 40 लाख। अगर आप ये मानते हैं कि ये रिलाइजेबल वैल्यू ही हमारे लिए फेयर वैल्यू है तो आप 25 लाख रुपए का लॉस बुक कीजिए। इज दैट ओके एवरीवन? मैं इसका नोट डालूंगा, मैं इस क्वेश्चन में लॉस बुक कर रहा हूं दोस्तों और नीचे नोट डाल रहा हूं ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है उसकी बात भी करने जा रहे हैं। ठीक है, यस बेटा, बेटा लोअर का मतलब क्या है? लोअर का मतलब मेरे लिए सही दाम है, राइट? व्हाट इज द राइट वैल्यू फॉर मी? राइट वैल्यू इज नॉट 15 लाख। इफ आई एम कंटिन्यूइंग इट इन यूज और मुझे लगता है उसका बेनिफिट 40 लाख का ही मिलेगा तो आई विल कंटिन्यू फॉर 40 लाख। अगर मुझे बेनिफिट जीरो मिल रहा, 15 लाख मिल रहा होता तो 15 लाख पे ले आता। तो दो अजम्पशंस की बातें हैं, व्हाट यू अज्यूम। ठीक है, कर ले बेटा, ओके एवरीवन। सो टू, बिल्डिंग एंड मशीनरी। And building and machinery is 40 lakhs minus 15 lakh. तो हमारे पास टोटल 1 करोड़ 9 लाख के सैक्रिफाइस थे और लॉसेस राइट ऑफ किए हैं हमने 1 करोड़ 5 लाख। बाकी कहां ट्रांसफर करूं? ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व, द बैलेंस 4 लाख रुपीज। यस बेटा, यस बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, देयर कैन बी टू ओपिनियंस। मैं एक ओपिनियन ले रहा हूं, ऑल्टरनेटिव लिखवा रहा हूं, बिल्कुल कोई भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 9 लाख टू पीएनएल अकाउंट 80 लाख टू बिल्डिंग एंड मशीनरी अकाउंट 25 लाख टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4 लाख रुपए बीइंग अक्यूमुलेटेड लॉसेस overvalued asset written off and balance transferred to capital reserve. And balance transferred to capital reserve, working note number 1. Working note number 1. डन, ये लीजिए दोस्तों, नीचे एक नोट डालें। इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द फेयर वैल्यू that the fair value of building and machinery is rupees 15 lakhs. Accordingly, loss of rupees 25 lakhs, that is 40 lakhs minus 15 lakhs has been written off. Alternatively, it may also be assumed that the fair value of building and machinery
is same as its book value, that is rupees 40 lakhs, that is rupees 40 lakhs, the estimated realizable value, the estimated realizable value was only relevant if the assets were liquidated in such case the loss of 25 lakhs sorry aise likhe in such case there will be no loss on building and machinery and transfer to capital reserve will be rupees 29 lakhs and transfer to capital reserve will be rupees 29 lakhs. ठीक है बेटा दोनों ऑल्टरनेटिव्स लिखवाए हैं दोस्तों दोनों ओपिनियंस लिखवाई हैं आपको एक वो ओपिनियन जो हमने फॉलो किया इस क्वेश्चन में दूसरा जो और हो सकता है ऑल्टरनेटिव अजम्पशन हो सकती है हमने मान लिया कि हमारे लिए एसेट का सही दाम 15 लाख ही है तो हमने 25 लाख का लॉस बुक किया है अगर ये मान लिया जाए कि एसेट का सही दाम 40 लाख है वो 15 लाख सिर्फ तब था जब आप हश में एसेट को बेचते एक रश में ही एसेट को निकाल रहे होते अगर ऐसा होता तब आपके लिए 15 लाख रुपए रेलेवेंट होते अगर ऐसा है कि आपके लिए सही दाम एसेट का यूज करते हुए 40 लाख ही है तो मुझे कोई लॉस बुक नहीं करना चाहिए और उस केस में 25 लाख का लॉस कैपिटल रिडक्शन नहीं जाता तो कैपिटल रिडक्शन बैलेंस जो कैपिटल रिजर्व में जा रहा होता वो 29 लाख रुपीज होता इज दैट ओके बेटा ओके अब ये अजम्पशंस आपको क्यों लिखवाई जाती हैं और क्यों डिस्कस की जाती हैं आपके साथ इस बात को समझिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों जिस क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो था लेकिन आपके पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जैसा ये अभी आपने देखा हमारे पास वहां पे टोटल सैक्रिफाइसेस मान लीजिए द टोटल अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइसेस इन दैट क्वेश्चन वॉज 89 लाख हमारे पास तो 1,09,00,000 है उस क्वेश्चन में मान लीजिए 89 लाख के सैक्रिफाइसेस थे क्या पीएनएल का लॉस राइट ऑफ करना था दोस्तों यस और नो एवरीवन बचा कितना बाकी तो क्या आपके पास बिल्डिंग एंड मशीनरी का लॉस राइट ऑफ करने के लिए बैलेंस है तो वहां मैं क्या अजम्पशन लूं मैं मान लेता हूं कि ये लॉस मुझे राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है और बाकी 9,00,000 ट्रांसफर हो जाता कैपिटल रिजर्व में इसीलिए आपके साथ ये दोनों ओपिनियंस डिस्कस की जाती हैं कि आप जब ऑन ग्राउंड बैठे हैं आपकी बात समझ आनी चाहिए इंस्टीट्यूट एक पर्टिकुलर सिनेरियो में फंसा सकता है यहां पर तो हम दोनों ओपिनियन ले पा रहे थे क्योंकि हमारे पास इतना मार्जिन था कि हम वो लॉस भी राइट ऑफ कर सकते थे लेकिन अगर इतना होता ही ना फिर एक ही अजम्पशन बनती कि हम उस लॉस को राइट ऑफ नहीं कर रहे ये मानते हुए कि क्वेश्चन ने तो कहा नहीं लॉस राइट ऑफ करने के लिए एसेट अपनी बुक वैल्यू पे आता रहेगा रिसीवर वाली वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है डज दैट मेक सेंस एवरीवन ये बेटा और क्वेश्चन ने मांगा हुआ है आपसे बैलेंस शीट आइए बैलेंस शीट बना लेते हैं दोस्तों बैलेंस शीट ऑफ ग्लोरिया एंड स्वैनसन लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड बेटा डेट हमें पता नहीं है तो एज एट छोड़ देते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज
shareholders' funds. Share capital, reserves and surplus, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, बेटा हमारे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स तो खत्म हो गए थे लेकिन उसके बदले हमने नए डिबेंचर इशू किए थे, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अलावा दोस्तों हमारे पास कैपिटल थी, कैपिटल हमने लिख ली रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, डिबेंचर खत्म हो गए, नए डिबेंचर आ गए, उसकी जगह अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स खत्म हो गए थे, बस और तो कोई और लाइबिलिटी है नहीं, तो दिस शुड टोटल अप टू योर टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सॉरी बेटा लॉन्ग टर्म, अच्छा बेटा क्रेडिटर्स का हमने लोन क्रिएट किया था उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, दो मिनट के लिए सामने देखेंगे सब लोग, एवरीवन नॉन करंट और करंट, जब हम ये बात बोलते हैं नॉन करंट का मतलब है लॉन्ग टर्म वाला हिस्सा और करंट का मतलब है शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होगा दोस्तों? वैसे अगर आपको याद हो कभी स्कूल डेज में करंट नॉन करंट के लिए कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे, मैं उन क्राइटेरियाज का आपको याद होंगे ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ऑपरेटिंग साइकिल कुछ नाम सुना था ऐसा, हाँ मैं उन सब चीजों में नहीं जा रहा हूं, वो सब चीजें मैं सिखाऊंगा दोस्तों, हमारा पार्ट है वो हम यहां पे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये मान के चलते हैं दोस्तों बैलेंस शीट डेट से जो चीज 12 महीने के अंदर ड्यू होती है दैट्स योर करंट पोर्शन, उसके बियॉन्ड ड्यू होती है तो नॉन करंट। यहां देखें दोस्तों हम आज यहां बैठे हैं, दिस इज आवर बैलेंस शीट डेट, यहां हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, लोन का अमाउंट कितना था दोस्तों? क्रेडिटर्स का जो लोन ड्यू किया था 10 लाख रुपए और वो पे होना था 5 किश्तों में, ये लाइन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, That loan was repayable in 5 equal annual installments, सालाना किश्तों में। तो बता सकते हो दोस्तों पहली इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट की पे होगी, कब पे होगी दोस्तों? एक साल के एंड पे, उसके बाद फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख और फिर 2 लाख, ये 10 लाख का ब्रेकअप है। कोई बता सकता है दोस्तों इस बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर कितना पे होना है? तो दिस इज टर्म्ड एज योर करंट लाइबिलिटी, और 12 महीने के बियॉन्ड कितना पे होना है? बाकी 8 लाख, तो दिस इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी, इज दैट ओके एवरीवन? ये 2 लाख दिखाया जाता है एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ये दिखाया जाता है एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म, वैसे बोरोइंग क्या शॉर्ट टर्म थी या बोरोइंग तो लॉन्ग टर्म की थी, लेकिन उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 12 महीने के अंदर कुछ हिस्सा पे करना है, इसीलिए इसे कहा जाता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पहले सिर्फ वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या मतलब लगता है दोस्तों? सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का वो हिस्सा जो करंट मैच्योर हो रहा है, यानी 12 महीने के अंदर अंदर मैच्योर हो रहा है, एंड दैट्स शोन अंडर द हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इज दैट ओके बेटा? आ जाइए, तो करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, चलते हैं दोस्तों एसेट्स पे, और एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, बेटा हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में एक बिल्डिंग एंड मशीनरी ही है पीपीई, सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, दैट्स नोट नंबर 5, और उसके अलावा एक करंट एसेट्स ही है बैंक बैलेंस, देयर इज नथिंग एल्स, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। Notes to accounts.
शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल आपको दी नहीं हुई, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, आयुष एक छोटी सी हेल्प करेगा बेटा, हाँ जल्दी से देख बैलेंस शीट में हमारी शेयर कैपिटल कितनी आ रही थी एग्जिस्टिंग वाली, सब लोग देखिए दोस्तों बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी थी 10 और 25 टोटल 35 लाख, एंट्रीज देखेगा बेटा क्या क्या एंट्रीज पास करी हमने शेयर कैपिटल को इंपैक्ट करती हुई, जिस जिस एंट्री में कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हुआ सबको देखिए दोस्तों, हाँ बेटा सबसे पहले आपकी पांचवी एंट्री में जहां पर आपने स्वैनसन के 5 लाख रुपए कैंसिल किए हैं राइट, तो माइनस 5 लाख कैपिटल हो गई 30 लाख, उसके बाद अगली एंट्री में आपने क्रेडिटर्स को कुछ इश्यू किया है 10 लाख रुपए प्लस 10 लाख रुपीज, अगली एंट्री में कुछ फाइनल कॉल मंगवाई थी 25 लाख रुपए राइट, उसके अगली एंट्री में 44 लाख आपने खत्म कर दिया था राइट दोस्तों 44, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया दोस्तों, तो हमारे कैपिटल बनती है 21 लाख रुपए 21 लाख रुपीज 10 रुपए वाले शेयर्स की फॉर्म में, और ये हो गए टोटल 2,10,000 शेयर्स, ये लीजिए दोस्तों 2,10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर्स तो कोई थे नहीं दोस्तों, बस ये बताइए इसमें से कितने शेयर्स कैश के लिए इशू हुए हैं, क्या है कोई कैश के लिए इशू हुआ, किस किस को दिए थे आपने शेयर्स, एक तो आपने एग्जिस्टिंग इक्विटी वालों को कन्वर्ट किया था रिड्यूस किया था और फिर क्रेडिटर्स को दिए थे राइट, सारे के सारे कैश के अलावा वाले हैं, तो लिख देते हैं दोस्तों आउट ऑफ द अबव 1,10,000 इक्विटी शेयर्स were इशूड एज फुल्ली पेड अप टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड 1 लाख इक्विटी शेयर्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच व इशूड टू क्रेडिटर्स एज फुली पेड अंडर स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन अंडर स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन नेक्स्ट ये टोटल बेटा 21 लाख रुपए है, अगले नोट पे चलते हैं, अगला नोट है रिजर्व इन सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस में कोई एग्जिस्टिंग तो था नहीं, सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस था, वो खत्म करके हमने एक रिजर्व बनाया है विच इज कैपिटल रिजर्व एंड वी हैव ट्रांसफर्ड अ बैलेंस ऑफ 4,000 रुपए सॉरी 4 लाख रुपए 4 लाख रुपीज, यस बेटा बिल्कुल सही बोला था 4 लाख रुपए। नेक्स्ट वन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में एग्जिस्टिंग डिबेंचर तो खत्म हो गए थे और आ गए हैं आपके न्यू फर्स्ट डिबेंचर्स, बेटा नए डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं ग्लोरिया को और स्वैनसन को, ग्लोरिया को दिए हैं 30 लाख के, स्वैनसन को दिए हैं 5 लाख के, और तो किसी को हमने नए डिबेंचर दिए नहीं, तो दीज आर टोटल ऑफ 35 लाख। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग और भी है दोस्तों जो क्रेडिटर्स को दिया है, वो लोन दिखा देते हैं, सो लोन विच इज
8 lakh rupees. लोन आपकी रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दिस इज लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी. हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही तो दिखा रहे हो. तो ये 2-2 लाख रुपए की 4 किश्तें हैं, 4 annual installments. तो दिस इज अ टोटल ऑफ 43 लाख्स. और एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट्स 2 lakh rupees also. तो ये 10 लाख का जो क्रेडिटर्स का लोन है वो डिवाइड हो गया है 2 पार्ट्स में, एक करंट मैच्योरिटी और एक लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी. चलते हैं दोस्तों एसेट साइड पे, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स. बच्चे पीपी में एक डिस्क्लोजर की बातें की थी हमने, अगले 5 साल तक कोई डिस्क्लोजर देना होता था. किस चीज का? अगर आपने कोई एसेट राइट डाउन किया अंडर स्कीम ऑफ कैपिटल डिडक्शन. ओके, हमने भी किया है दोस्तों. तो बिल्डिंग एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड मशीनरी है दोस्तों 40 लाख रुपीज. और इस 40 लाख में से हमने राइट डाउन किया है, रिटन डाउन अंडर स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन, एंड दैट्स 25 लाख. और पीपी के अलावा दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के अंदर बैंक बैलेंस. बेटा बैंक का हमारे पास पहले से बैलेंस था 30 लाख्स. अपनी एंट्रीज में देखिए बैंक बैलेंस कहीं यूज हुआ है या कहीं से और आया है. एक फाइनल कॉल का पैसा आया था और 5 लाख ग्लोरिया लेके आया था. कहीं यूज भी किया बेटा, किसी को पे किया? स्वैनसन को पे किया है. तो 5 लाख आया है ग्लोरिया से, 5 लाख पे किया है स्वैनसन को, और 25 लाख रुपए की एक फाइनल कॉल आई है. आप चाहें तो बैंक अकाउंट बना के दिखा सकते हैं दोस्तों. बस सिर्फ यही हुआ है, एक 5 लाख लाया है, एक 5 लाख ले गया है. अपनी एंट्रीज देख लीजिए बेटा, और 25 लाख रुपए फाइनल कॉल के आए हैं, राइट? तो दिस इज अ बैलेंस ऑफ 55 लाख. और ये ऊपर प्लॉट कर देते हैं दोस्तों, लेट्स प्लॉट इट अबव. डन, नोट्स डन एवरीवन. ये लीजिए इक्विटी 21 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 लाख रुपए. बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमने दिखाया है 43 लाख्स. और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं 2 लाख रुपए की. तो इक्विटी और लायबिलिटी साइड का टोटल बनता है 70 लाख्स. और एसेट साइड पे हमने पीपी दिखाया है बेटा 15 लाख, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 55 लाख रुपए का. दैट्स अ टोटल ऑफ 70 लाख्स. ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 23 मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट. पढ़िए दोस्तों, बच्चे
अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे बेटा, वरना छोड़ देंगे उसको एज इट इज, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे की क्वेरी है दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हो तो उसका क्या करें? अगर आपकी कैपिटल रिडक्शन की स्कीम में बैलेंस कम पड़ रहा हो तो यूज कर लीजिए, कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस अगर पड़ा है और आपकी कैपिटल रिडक्शन की स्कीम के अंदर लॉसेस ज्यादा है, सैक्रिफाइस कम है, तो प्लीज यूज कर लीजिए। लेकिन पहले चेक कर लीजिए जरूरत है या नहीं है, अगर नहीं है तो पढ़े रह लीजिए उसको एज इट इज, ठीक है? पढ़िए जल्दी से। डन, पढ़ लिया दोस्तों? अ चैलेंज क्वेश्चन दोस्तों, पढ़ लिया सबने? आ जाइए। एसपी कंस्ट्रक्शन कंपनी फाइंड्स इटसेल्फ इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, फॉलोइंग इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2012। तो कंपनी की हालत बुरी है और बुरी हालत वाली कंपनी की बैलेंस शीट आपको दी है। 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 रुपए वाले फुली पेड अप, 8% डिबेंचर्स हैं, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स आ रहे हैं, एसेट्स में लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स हैं, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट्स कोटेड इन शेयर्स है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स और पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ ना बोला हो दोस्तों तो गुडविल और पीएनएल ये दो तो हमें राइट ऑफ करने हैं, अनलेस क्वेश्चन कुछ और कह दे। आगे देखें, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 10,000 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स इट वॉज डिसाइडेड टू कैरी आउट अ स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन अग्रीड। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू एक्सेप्ट reduction of 7.5 per share and each equity share is to be redesignated as a share of 2.5 each. तो अभी equity share है बेटा 10 रुपए वाला, 7.5 का reduction लेंगे। अगर कुछ ना बोला होता तो हम क्या मानते, कौन सा टाइप? टाइप 2। ये बात आगे बता भी दी है। अब नया share जो है वो 2.5 रुपए वाला होगा, ना भी बोलते तो भी हम यही मान रहे थे दोस्तों। Next, equity shareholders are to subscribe for a new share on the basis of 1 for 1 at a price of ₹3 per share. अब नया शेयर है 2.5 रुपए का, इक्विटी वाले हर एक के बदले एक शेयर ले रहे हैं, 3 में ले रहे हैं दोस्तों, यानी 50 पैसे का प्रीमियम। 3 रुपए वाला शेयर, सॉरी 2.5 रुपए वाला शेयर they're taking at ₹3, तो 50 पैसा इज अ प्रीमियम। आगे देखें, the existing 7,000 preference shares are to be exchanged for a new issue of 3,500 8% cumulative preference shares of 10 each and 14,000 equity shares of 2.5 each. Beta, ऊपर देखिए हमारे existing preference shares कितने हैं? 70,000, 10 रुपए वाले यानी 7,000 shares हैं दोस्तों। नीचे क्वेश्चन कह रहा है existing 7,000 preference shares are to be exchanged. तो existing preference share capital के बदले new issue of 3,500 8% cumulative preference shares of 10 each. 3500 shares 10 वाले 35,000 and 14,000 equity shares of 2.5 each. Total कितना हो गया बेटा? 70,000 के बदले 70,000. So no capital reduction transfer. बस पुराने preference shares खत्म, उसके बदले नए preference shares और नए equity shares. Next, debenture holders are to accept 2,000 equity shares of 2.5 each in lieu of interest payable. Debenture holders 2,000 equity shares लेंगे 2.5 रुपए वाले इंटरेस्ट के बदले, इंटरेस्ट पेबल के बदले। ऊपर देखिए इंटरेस्ट पेबल कितना आ रहा है, 12,800 की लायबिलिटी के बदले वो ले रहे हैं 5,000 रुपए के शेयर्स।
बाकी 7800 कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट चला जाएगा. परफेक्ट एवरीवन. द डिबेंचर होल्डर्स आर टू एक्सेप्ट 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच इन लियू ऑफ इंटरेस्ट पेबल. तो 12800 के इंटरेस्ट के पेबल के बदले 5000 रुपए के शेयर्स ले रहे हैं, यानी बाकी 7800 कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर. इंटरेस्ट रेट इज टू बी इंक्रीज टू 9.5%. इंटरेस्ट रेट अभी 8% है, इसे बढ़ा के 9.5% करना है. सो उसके बाद फर्दर 9000 रुपीज ऑफ दिस 9.5% डिबेंचर्स आर टू बी इश्यूड एंड टेकन अप बाय द एग्जिस्टिंग होल्डर्स एट ₹90 फॉर ₹100. क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? 9000 रुपए के डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं. 9000 रुपए इज द फेस वैल्यू. एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए और टोटल हो गए 90 डिबेंचर्स. और ये इशू किए जा रहे हैं एग्जिस्टिंग होल्डर्स को 90 के हिसाब से, यानी 10 रुपए का डिस्काउंट ऑन इशू. और वो डिस्काउंट कैपिटल रिडक्शन में राइट ऑफ कर देंगे दोस्तों. हम तो पहले से कोई पड़ा हो उसे खत्म कर देते हैं, तो नया वाला तो कैरी नहीं करेंगे, राइट? सो 9000 रुपए के 9.5% डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं, 100 वाला डिबेंचर 90 पे. मैं चाहता हूं एक चीज आप सब मेरे साथ सामने स्क्रीन पे देखें. बेटा दिस इज 9000 रुपीज, 9000 रुपए. अगर एक चीज यहां हटा दूं दोस्तों, विच इज दिस रुपीज का सिंबल, अब ये क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स. 9000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं 100 वाले 90 में. अभी ये नंबर्स नहीं है, अभी ये 9000 रुपए के हैं. टोटल 9000 की फेस वाली वाले डिबेंचर 8100 में इशू हुए हैं दोस्तों, 90% पे. जय माता दी. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट को मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट अगर कोई समझा देगा तो उसे चॉकलेट इनाम है. डायरेक्टर्स लोन के बारे में बात हो रही है. ऊपर डायरेक्टर्स लोन देख लीजिए कितने का आ रहा है, 16000, राइट? नीचे देखिए क्या बोलता है, ₹6000 ऑफ डायरेक्टर्स लोन इज टू बी क्रेडिटेड. इज टू बी क्रेडिटेड मतलब बट लोन तो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट ना? इज टू बी क्रेडिटेड कहा? कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट कर दीजिए. परफेक्ट मेरे बच्चे. यानी बाकी कितना बच जाएगा? 10000, राइट ना एवरीवन? मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे की इंटरप्रिटेशन फाइनल है, मैंने कहा हाँ सही लग रही है, लेकिन आगे देखते हैं. अभी आप सब निष्कर्ष निकालिए, वी हैव नॉट कंक्लूडेड दैट. तो 6000 रुपए का लोन क्रेडिट किया जा रहा है. द बैलेंस इज टू बी सेटल्ड बाई इशू ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच. बैलेंस कितना बचा? 10000. सेटल कैसे करना है? 1000 शेयर्स 2.5 रुपए वाले. तो मैं यहां कुछ लिखता हूं, आप लोग मेरी हेल्प कराएं दोस्तों. ये लीजिए दोस्तों, ये है हमारा डायरेक्टर्स लोन, 16000 रुपए. सबसे पहले कहा 6000 रुपए का क्या करूं दोस्तों? लीजिए क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन. उन्होंने जो बोला था दैट वाज इज टू बी क्रेडिटेड. भाई लोन तो ऑलरेडी क्रेडिट होता है दोस्तों, इज टू बी क्रेडिटेड कहां पर? अंडर स्कीम क्रेडिट कर दीजिए, यानी ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिडक्शन में, 6000 रुपए. एंड व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट? 10000. इस 10000 को कैसे सेटल करूं? 1000 शेयर्स से. शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 2.5 रुपए है, राइट? बाकी कहीं से आवाज आई क्या बेटा? पक्का? और भी यहां से कुछ और आवाज आई थी. कैपिटल रिडक्शन. बच्चे ने कहा सर बाकी को मान लो प्रीमियम, किसी ने कहा सर बाकी को मान लो कैपिटल रिडक्शन, कि 10000 के बदले 2500 रुपए के शेयर्स दे रहे हैं. और बच्चे ने कहा सर ये मान लीजिए हम 1000 शेयर दे रहे हैं, 10 रुपए में इशू कर रहे हैं, 7.5 रुपए प्रीमियम में डाल दीजिए, राइट ना? चलिए अगर आप में से कोई ये ओपिनियन लेता है दोस्तों कि ये 7500 रुपए उठा के कैपिटल रिडक्शन में डालने हैं, अगर आप में से कोई ये ओपिनियन लेता है तो मुझे बताइए फिर इस टाइम का मतलब क्या हुआ? फिर इस टाइम का मतलब क्या हुआ? वो कह रहे थे लोन में से कैपिटल रिडक्शन में कितना ट्रांसफर कीजिए? 6000. अगर आप बाकी बचे वाले को भी कैपिटल रिडक्शन में डालते हैं तो फिर पहली लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों. फिर तो ये लाइन सिर्फ ये होनी चाहिए थी, द लोन इज टू बी सेटल्ड बाई इशू ऑफ दिस. तो 2500 के शेयर देते, बाकी 13500 रुपए उठाकर डाल देते कैपिटल रिडक्शन में. लेकिन वो क्या बोल रहे हैं?
इस पूरे कंटेक्स्ट को देखिए, व्हाट आर दे सेइंग कि लोन का 6000 रुपए डालना है कैपिटल रिडक्शन में, बाकी बचे हुए लोन को 1000 शेयर से सेटल करना है। अगर बाकी बचे लोन को 1000 शेयर से सेटल करना है, इसका मतलब एक शेयर के प्राइस पे इशू होगा 10 रुपीज, या इशू प्राइस इज 10 रुपीज एंड द फेस वैल्यू इज 2.5, यानी 7.5 रुपए प्रीमियम। सो दिस हैज टू गो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। परफेक्ट मेरे बच्चे, चॉकलेट पक्की है बेटा तेरी। आप सब बताइए कि आपको समझ आता है। दिस इज द लैंग्वेज जहां पे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी मेक्स अ मिस्टेक। 100 में से 99 बच्चे यहां गलती करते हैं। लैंग्वेज को दोबारा देख लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बट प्लीज लुक एट द लैंग्वेज। क्या आप सबको समझ आता है बेटा? Does that make sense everyone? All of you? बढ़ जाऊं आगे? Okay. Next one. Goodwill and P&L account balance are to be written off. Investment in shares is to be sold at current market value of 60,000. Bank overdraft repay करना है. 46,000 is to be paid to trade payables now. And balance at quarterly intervals. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था exactly वैसे ही quarterly किस्तों में pay करना है, बस फर्क सिर्फ इतना है कितनी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स वो हमें नहीं पता। तो जितना भी आपके क्रेडिटर्स हैं 46,000 अभी पे कीजिए, बाकी को क्वार्टरली इंटरवल्स पे। वी डोंट नो कितने क्वार्टरली इंटरवल्स में और कितना कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है। 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स आर टू बी रिटन ऑफ। द रिमेनिंग एसेट्स वर प्रोफेशनली वैल्यूड एंड शुड बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज फॉलोज। लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एंड इन्वेंट्री। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 पढ़िए दोस्तों, और इस पॉइंट का मतलब आप लोग समझाएंगे। यस बेटा, क्या कहना चाह रहे? यस बेटा, परफेक्ट। क्या बच्चा सही कह रहा है? क्या करूं इसका फिर? सॉरी बेटा, क्यों नहीं? ये तो आपकी प्रिडिक्शन है दोस्तों कि आगे ऐसा होगा, इसी उम्मीद में तो ये स्कीम लगा रहे हैं कि आज कंपनी लॉसेस में है, हम इस लॉसेस से बाहर आ पाएंगे, प्रॉफिटेबल हो पाएंगे अगर ये स्कीम लगाई जाती है। तो ये फ्यूचर की आपको एस्टिमेशन दी जा रही है, अनुमान दिए जा रहे हैं कि स्कीम से आप वापस प्रॉफिट में आ सकते हो। सो नो एक्शन रिक्वायर्ड दोस्तों, दैट्स ओनली टू शो दैट द स्कीम is workable and scheme लगाने के बाद हम profitable वापस हो सकते हैं। Due to losses brought forward, it is unlikely that any tax liability will arise until 2014. और हमें नहीं लगता कि हमारे पास इतने पुराने losses पड़े हुए हैं कि आगे आने वाले सालों में 2014 तक हमारे ऊपर कोई tax liability आएगी। ठीक है दोस्तों, books में देखिए कोई वैसे provision for tax पड़ा हुआ है? Is there any provision for tax? नहीं है दोस्तों। और वो कह रहे हैं आगे भी जो हमारा प्रॉफिट आएगा, अभी हम बैठे हैं बेटा 2012 में, और 2014 तक हमें कोई टैक्स देना नहीं होगा ऐसा हमें लगता है। वैसे आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ना शुरू कर दिया है दोस्तों। इनकम टैक्स के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ लॉसेस। क्या कहा मैंने? सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ लॉसेस। आपने इनकम टैक्स में 5 हेड्स के बारे में नाम सुन लिया दोस्तों। तो एक इंसान की 5 हेड्स के अंदर इनकम हो सकती है, क्या किसी हेड में लॉस भी हो सकता है? तो इनकम टैक्स के कानून के अंदर एक हेड में अगर लॉस आ रहा हो और दूसरे हेड में प्रॉफिट आ रहा हो तो ये सेट ऑफ हो सकता है एज पर इनकम टैक्स रूल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे हो सकते हैं, एज पर इनकम टैक्स रूल्स जो आप पढ़ेंगे टैक्स के पेपर के अंदर, इसे कहते हैं सेट ऑफ करना सेम ईयर में। दूसरा होता है दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक हेड में लॉस है और कोई इनकम है ही नहीं, या बाकी इनकम से सेट ऑफ करने के बाद भी लॉस बच गया, तो उस लॉस का क्या करूं? फिर हम उस लॉस को कैरी कर लेते हैं अगले साल, एंड दैट्स कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये कब सेट ऑफ होगा? अगले सालों में, एंड दैट्स कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। ये शब्द समझ सुनाई दिया दोस्तों? तो वो क्या बोल रहा है? हमारा अनुमान है कि हमारे पास इतने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है कि 2014 तक हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा,
चाहे आने वाले सालों में हम प्रॉफिटेबल भी हो जाएं, क्योंकि पुराने लॉसेस का सेट ऑफ होगा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ. डज दैट मेक सेंस एवरीवन? ओके. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू अफेक्ट द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन. कर ले शुरुआत, आ जाइए. यस बेटा. नहीं बेटा, स्कीम में ओके. बच्चे का एक वैलिड सवाल है, सब लोग प्लीज सुनिएगा. बच्चे का सवाल है, सर इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 50,000 के आगे हमें प्रॉफिट होने हैं, इसका मतलब हम यहां पे अभी कोई लॉस छोड़ सकते हैं कि आगे फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा तब राइट ऑफ कर लेंगे? नहीं मेरे बच्चे, अगर कोई लॉस छोड़ना होता, पहली बात तो हमारे लॉस ही कितना है, सिर्फ 39,821. अगर कोई लॉस छोड़ना होगा तो वो ट्रिब्यूनल से अप्रूव करवाया जाएगा, क्वेश्चन आपको बताएगा. अदरवाइज पीएनएल का लॉस बाय डिफॉल्ट खत्म करना है, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड सच लॉस. लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ट्रिब्यूनल आपको कह दे ये जो आपका लॉस आ रहा है इसमें से 10,000 रुपए अगले दो सालों में आप राइट ऑफ कर लीजिएगा, तो 20,000 कैरी कर लो, बाकी 19,821 अभी राइट ऑफ करो. ऐसा हो सकता है, बट अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन आपको वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देगा दोस्तों, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन ये कह देता कि 10,000 का लॉस आप आगे कैरी कीजिए, तो हम उस केस में राइट ऑफ करते सिर्फ 19,821. लेकिन ऐसा कुछ बोला तो नहीं, तो हम पूरा का पूरा लॉस खत्म करेंगे. बल्कि क्वेश्चन ने तो ये भी बोला है बेटा, ये लाइन लिखी हुई थी यहां पे, गुडविल एंड द पीएनएल अकाउंट आर टू बी रिटन ऑफ. हमें तो पूरा पीएनएल खत्म करना है, ना भी बोला होता तो भी हम पूरा खत्म करते मेरे बच्चे, ठीक है? चलिए, तो आपसे मांगी जा रही है सबसे पहले जर्नल एंट्रीज. तो सबसे पहले दोस्तों इक्विटी शेयर होल्डर्स 7.5 रुपीज का रिडक्शन ले रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10 वाला अकाउंट डेबिट, दिस इज 20,000 × 10, 2,00,000 रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 2.5 वाला अकाउंट 20,000 × 2.5 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000 × 7.5 being equity shares reduced. Next, equity shareholders हर एक के बदले एक नया शेयर ले लेंगे 3 रुपए में. 2.5 रुपए वाला शेयर है, 3 में ले रहे हैं, तो 50 पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा हर एक के बदले एक, यानी 20,000 के बदले दे विल टेक अप 20,000 शेयर्स दैट 60,000 50,000 being equity shares issued to existing shareholders. Existing 7,000 preference shares are to be exchanged. So
पुराने प्रेफरेंस शेयर्स के बदले नए प्रेफरेंस शेयर और नए इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। तो पुराने प्रेफरेंस शेयर्स हैं दोस्तों 5% वाले, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, एंड दीज आर 70,000, और इनके बदले जो दिया जा रहा है वो है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं दोस्तों 3500, 10 रुपए वाले 35,000। और इक्विटी शेयर्स देने हैं दोस्तों 14,000, 2.5 वाले, एंड दिस वर्क्स आउट टू 35,000। तो 70,000 के बदले 70,000, नो सैक्रिफाइस बीइंग सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट वन दोस्तों, डिबेंचर होल्डर्स अपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,800 के बदले 5,000 के शेयर्स ले रहे हैं। सो इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल That's 2,000 into 2.5, 5,000 rupees to capital reduction ₹7,800 being interest payable on debentures settled. नेक्स्ट वन दोस्तों, डिबेंचर होल्डर्स को उनके एग्जिस्टिंग 8% वाले डिबेंचर्स के बदले 9.5% वाले डिबेंचर दिए जा रहे हैं। सो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9.5% डिबेंचर्स, और ये डिबेंचर्स हैं दोस्तों 80,000 रुपए के, 80,000 रुपीज। Being rate of debentures increased. Next, 9,000 रुपए की face value वाले नए debenture take up किए जा रहे हैं at a discount. So bank account debit, discount on issue of debentures account debit. To 9.5% debentures. So debentures issue हो रहे हैं दोस्तों 9,000 की face value वाले, और ये issue हो रहे हैं 90% पे, तो 90% of 9,000 which is 8,100, और 10% का discount है 900 रुपए discount में, being debentures issued. इस डिस्काउंट का क्या करूं दोस्तों, तो करना ही करना है दोस्तों, हंड्रेड परसेंट कर सकते हैं बेटा अगर आप भूले ना तो, कि कई बार क्या होता है ना, हम लॉसेस कहां से ढूंढते हैं, बैलेंस शीट से, राइट, ये छूट ना जाए इसलिए साथ में कर रहा हूं। आप अगर रिटेन कर सकते हैं तो बिल्कुल मार्क कर लीजिए अपनी क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में, और आखिरी में एंट्री में डाल दीजिए, परफेक्ट मेरे बच्चे, पेपर की जो टेंशन होती है ना बेटा, उस टेंशन में ऐसी चीज कई बार छूट जाती है। या तो आप एक प्रैक्टिस फॉलो कीजिए, जब ये चीज राइट ऑफ करनी है बाद में, तो साथ ही मार्क कर लो अपने क्वेश्चन में ही,
कि आई नीड टू राइट दिस ऑफ ताकि मैं भूलू ना, राइट, या साथ ही कर दीजिए, पेंडिंग की बात छोड़िए, 900 रुपए। बींग डिस्काउंट ऑन इश्यू रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट वन, डायरेक्टर्स लोन की बात आ गई दोस्तों, तो लीजिए डायरेक्टर्स लोन एवरीवन, कितने का था? 16,000। पहले बताइए 6,000 का क्या किया? तो डालते हैं दोस्तों टू कैप रिडक्शन, बाकी 10,000 का क्या किया दोस्तों? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर इशू कर दिया आपने, 1,000 शेयर्स 2.5 रुपीज वाले, तो 1,000 शेयर्स 2.5 वाले, दैट्स 2,500, और बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई होप आप सबको ये लैंग्वेज समझ आती है दोस्तों। सो 1,000 × 7.5, बींग डायरेक्टर्स लोन सेटल्ड, नेक्स्ट वन दोस्तों, गुडविल एंड पीएनएल अकाउंट आर टू बी रिटन ऑफ। सबसे एंड में कर देंगे दोस्तों, गोला मार लेता हूं इसको, बाकी सारे लॉसेस का इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स बेचनी है करंट मार्केट वैल्यू पर 60,000 में, और इन्वेस्टमेंट्स बुक्स में आ रही है दोस्तों 27,000, तो आइए इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट में बिक रही है, बेच देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 27,000, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बींग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। Being investment sold, next one, bank OD is to be repaid. बेटा bank overdraft आ रहा है हमारा 36,713, pay कर दीजिए। Bank overdraft account debit 36,713। जब आप ये entry pass करते हैं इसका मतलब आप assume कर रहे हैं हमारे एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं, ओवरड्राफ्ट वाले को हम दूसरे बैंक से सेटल कर रहे हैं, राइट। सो बीइंग सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, नेक्स्ट वन दोस्तों, 46,000 इज टू बी पेड टू ट्रेड पेबल्स नाउ एंड बैलेंस एट क्वार्टरली इंटरवल्स। तो ट्रेड पेबल्स देखिए बुक्स में आ रहे हैं 96,247 के, तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट विच इज 96,247 टू, अभी पे कर दीजिए इन्हें 46,000, और बाकी पैसा क्वार्टरली इंटरवल से पे करना है, उसका क्या करूं? लोन में ट्रांसफर कर दूं दोस्तों। अगर आप में से कोई लोन में ना ट्रांसफर करना चाहे तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं ट्रेड पेबल्स में ही, फिर ये एंट्री 46,000 से ही पास होती। हम इसे लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं 50,247, इज दैट ओके? अच्छा चलिए, अब बस ये बता दीजिए, एक मिनट बस, सॉरी बेटा, अगर आप लोन में नहीं ट्रांसफर करें तो आप बताइए, ये मेरे क्रेडिटर हैं 1,00,000 रुपए के, 1,00,000 रुपीज, 40,000 अभी मांग रहे हैं, बाकी बाद में दे देना, तो कितने के क्रेडिटर सेटल हो रहे हैं? 40, तो 60 के बचे रहते, तो मैं ये एंट्री पास ही बेटा 46,000 से करता। हम उसे बैलेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लोन, तो क्रेडिटर खत्म हो गया पूरा, और कुछ पे हो गया, कुछ लोन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप लोन में कन्वर्ट ना करते तो वो ट्रेड पेबल के नाम से खड़ा रहेगा, फिर मैं एंट्री सिर्फ ट्रेड पेबल टू बैंक करता 46,000, ठीक है? एक क्वेरी पूछ लूं आप लोगों से यहां पे, सब हो साथ में एवरीवन, चलिए अभी बताइए, बैलेंस शीट में पिछले क्वेश्चन को करते हुए हमें कहा गया था 5 सालाना किश्तों में पे करना है, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स,
तो जो बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर एक इंस्टॉलमेंट आ रही थी, हमने उसे माना था शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और बाकी चार इंस्टॉलमेंट आपने दिखाया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे, ये अमाउंट कहां दिखाऊं? क्यों? हमें पता ही नहीं है दोस्तों कितनी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में जाना है, वी डोंट नो दैट, कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है हमें यह भी नहीं पता। तो मान लेते हैं कि सारा का सारा चार क्वार्टर में खत्म हो जाना है और आप शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे दिखा दीजिए। डज इट मेक सेंस एवरीवन? चलिए आ जाइए आगे। सो बीइंग सेटलमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स, नेक्स्ट वन दोस्तों, 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स आर टू बी रिटन ऑफ, अगेन लॉस वाली एंट्री है दोस्तों, एक ही बार में भी कंबाइन कर देंगे पॉइंट नंबर 6 को भी और 10th को भी। पॉइंट नंबर 11th में देख लीजिए, किसी एसेट में प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट वाली एंट्री अलग से कर लेते हैं, लॉसेस कंबाइन कर लेंगे। लैंड में देयर इज अ लॉस दोस्तों, बिल्डिंग में देयर इज अ प्रॉफिट, इक्विपमेंट्स में लॉस है और इन्वेंट्री में वहां भी लॉस है, तो एक ही एसेट में गेन दिख रहा है। आइए पहले उसे रिकॉर्ड कर लें, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एंड दिस इज एन इंक्रीज ऑफ बिल्डिंग बुक्स में है बेटा 27,246 की, और हमें लेके जाना है इसे 80,000, सो 27,246 माइनस 80,000 दैट्स 52,754। Being building revalued upwards, अब बेटा losses हैं जो write off करने हैं, आइए वो write off करें। तो capital reduction account debit to point number 6 में आपको कहा था goodwill खत्म कर दीजिए, P&L का loss खत्म कर दीजिए। पॉइंट नंबर 10th में कहा 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स खत्म कर दीजिए, तो टू ट्रेड रिसीवेबल्स टेन परसेंट ऑफ 70,692। बच्चे गुडविल खत्म करनी है, गुडविल बुक्स में है 60,000 रुपए की, अक्यूमुलेटेड लॉस है 39,821 का, और 10% बनता है 7,069। इसके अलावा लैंड में लॉस है, लैंड की वैल्यू 90,000 लगाई जा रही है और बुक्स में है 1,56,000 का, यानी लैंड में लॉस है 66,000। लैंड के अलावा इक्विपमेंट्स दोस्तों, इक्विपमेंट्स बुक्स में है 10,754 एंड द वैल्यूएशन इज 10,000 रुपीज, यानी 754 रुपीज का यहां भी लॉस है। उसके अलावा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बुक्स में है 1,20,247 की और इन्वेंट्री में वैल्यूएशन करी जा रही है 50,000 रुपए, यानी देयर इज अ लॉस ऑफ 70,247। पॉइंट नंबर 12th सिर्फ फ्यूचर का एस्टिमेशन है और आगे टैक्स की लाइबिलिटी अगले सालों में नहीं आएगी, ये भी बताया हुआ है आपको, दैट्स इट। तो चलिए बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में कितना टोटल गया है वो देख लेते हैं। सॉरी बेटा 2,438, थैंक यू बेटा। बीइंग अक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड ओवरवैल्यूड एसेट्स, रिटर्न ऑफ और कैपिटल रिडक्शन में कुछ बचा है वो चेक करने के लिए बनाना होगा आपको पहला वर्किंग नोट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अगर वो एंट्री सबने नोट कर ली है दोस्तों, ऑल ऑफ यू डन, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेते हैं।
लीजिए ये वाला बेटा, कितना आ रहा है एक बार दोबारा से? 2 9 1 8। ओके बेटा मैं चेक कर लेता हूँ, बेटा रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ, चिंता नहीं। बेटा 891 आ रहा है, 243 891। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेते हैं दोस्तों। पहली एंट्री से देखिएगा, फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन में 1.5 लाख रुपए बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री में कुछ नहीं, थर्ड एंट्री में भी कुछ नहीं, फोर्थ एंट्री में 7800 इंटरेस्ट पेबल। नेक्स्ट एंट्री में दोस्तों नथिंग, सिक्स्थ एंट्री में कुछ नहीं, सेवेंथ एंट्री में एक लॉस राइट ऑफ किया है 900 रुपए का टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 900 रुपए। नेक्स्ट एट्थ एंट्री में कैपिटल डिडक्शन में 6000 रुपए बाय डायरेक्टर्स लोन। नेक्स्ट एंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट बेची है दोस्तों, और इन्वेस्टमेंट बेचने पे गेन हुआ था 33,000 रुपीज का। टेंथ में कुछ नहीं है, इलेवेंथ में कुछ नहीं है, ट्वेल्थ में बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है 52,754 बाय बिल्डिंग। और नेक्स्ट एंट्री में ये लॉसेस राइट ऑफ किए हैं सनड्रीज 243,891। ₹47,631 बन रहा है दोस्तों बैलेंस आ रहा है, विच गेट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व 4763 बैलेंसिंग फिगर। और ये 4763 के लिए ऊपर एंट्री पास कर सकते हैं, लास्ट एंट्री में ही आप कंबाइन कर सकते थे, अदरवाइज अलग से एंट्री पास कर देते हैं। कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व 4763, सो दैट्स योर 14th एंट्री। Being balance of capital reduction transfer. ठीक है दोस्तों, सॉरी बेटा, डन। ओके एवरीवन, क्वेश्चन ने आपसे मांगी हुई है बैलेंस शीट, होमवर्क में बनानी है बेटा, बस 2 मिनट सामने लगा दीजिए। शेयर कैपिटल एंट्रीज देखिए और मुझे बताइए शेयर कैपिटल में अब कितना बैलेंस होना चाहिए। 2 लाख का पहले इक्विटी बैलेंस था, हमारी एंट्रीज में इक्विटी शेयर्स के साथ क्या क्या हुआ है। पहली एंट्री में ये 2 लाख खत्म हो गया है दोस्तों, और 50,000 की नई कैपिटल आ गई है। उसके बाद अगली एंट्री में 50,000 के और इशू किए हैं, अगली एंट्री में
35,000 की और आ गई है कैपिटल, अगली एंट्री में 5,000 और, नेक्स्ट एंट्री नथिंग नथिंग नथिंग, ये और आ गई दोस्तों 2,500 रुपए और बस दोस्तों। तो योर कैपिटल इज 142,500 इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हो तो अब ये 2.5 वाले शेयर्स हैं, 2.5 से डिवाइड करके वी कैन कंप्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स राइट। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पहले 70,000 के थे, अब 70,000 के बदले जो जो हुआ है वो देख लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों ये 70 तो खत्म हो गया और 35,000 की नई कैपिटल आ गई है प्रेफरेंस। उसके बाद प्रेफरेंस 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 और तो कुछ नहीं है दोस्तों, तो ओनली 35,000 इन योर बैलेंस शीट एज 8% वाली प्रेफरेंस कैपिटल। नाउ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का क्या किया दोस्तों, 8% वालों को आपने कन्वर्ट कर दिया था 9.5% पे और कुछ नए भी इशू हुए थे, तो 80,000 के पहले से थे, 9,000 के आपने और इशू किए थे, टोटल हो गए 89,000। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स ये खत्म हो गया था दोस्तों। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल 46,000 पे हो गया था, बाकी कन्वर्ट हो गया था लोन में, तो एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ गई आपके पास विच इज 50,247। ट्रेड पेबल्स खत्म, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट ये पे कर दिया था, इंटरेस्ट खत्म हो गया था दोस्तों राइट। एसेट्स में लैंड को हमने वैल्यू किया है दोस्तों, लैंड 90,000 रुपए में, बिल्डिंग को हम ले गए थे 80,000 रुपए, इक्विपमेंट्स 10,000, गुडविल खत्म कर दी थी, इन्वेस्टमेंट्स बेच दी थी, इन्वेंट्री को वैल्यू किया हमने 50,000 रुपए, ट्रेड रिसीवेबल्स को हमने 10% कम पे वैल्यू किया था बेटा, सो प्रोविजन बनाई थी 70692 माइनस 10%, तो दिस इज 63623। और पीएनएल तो खत्म हो गया था। एक बैंक बैलेंस देख लेते हैं दोस्तों, बैंक के लिए आपको बनाना होगा बैंक अकाउंट, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं बैंक अकाउंट। बच्चे बैंक वाली एंट्रीज देख लेते हैं, हमारे पास हमने माना है 2 बैंक अकाउंट्स हैं, एक में ओडी स्टार्टिंग बैलेंस था वो अलग अकाउंट है, ये दूसरा अकाउंट है, इसका कोई पॉजिटिव बैलेंस स्टार्टिंग में था नहीं। एंट्रीज में देख लीजिए, पहली एंट्री में कुछ नहीं है, दूसरी एंट्री में 60,000 रुपए आए हैं दोस्तों बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी एवरीवन, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 रुपए। उसके अलावा एंट्री नंबर 3 में कुछ नहीं है, फोर्थ में नहीं है दोस्तों, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ एंट्री में डिबेंचर इशू किए हैं, 8,100 रुपीज आए हैं, सो 2 9.5% डिबेंचर्स, 8,100 रुपए। नेक्स्ट सेवेंथ एंट्री में कुछ नहीं, एट्थ में कुछ नहीं, नाइन्थ में 2 इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए। नेक्स्ट बैंक ओडी पेमेंट करिए 36,713। और फिर हमने अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है दोस्तों बाय क्रेडिटर्स एंड वी पेड 46,000। दैट्स इट दोस्तों, और कुछ नहीं है जो बैंक से आपने रिसीव या पे किया हो, तो दिस टोटल इज 128,100 82,713 45,387 बाय बैलेंस सीडी।
सो 45,387 ये आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 45,387। जरा चेक कीजिए दोस्तों, बैलेंस शीट टैली होती है। बेटा एक कैपिटल, एक रिजर्व भी आया था, एक कैपिटल रिजर्व और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम। देयर वाज वन कैपिटल रिजर्व एंड द अदर वन वाज सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व हमने आखिरी एंट्री में ट्रांसफर किया है 4763 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 7500। बेटा सिक्योरिटीज में हम दो तीन एंट्रीज में आया था, एक बार चेक कर लें। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक स्टार्टिंग में आया 10,000 रुपए और जो डायरेक्टर्स को इशू किए थे उस पे आया 7500, टोटल मिला के हो गया 17,500। पहले से कुछ था नहीं, सो इन योर बैलेंस शीट 17,500। सो ये बनता है दोस्तों 339,010 एंड लेट्स लुक एट आवर एसेट्स। That should be your balance sheet, दोस्तों। ठीक है जी, ये balance sheet आप घर पे complete करेंगे schedule 3 format में, right? So, sorry बेटा, last question of the chapter और 10 minutes में खत्म करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसका आंसर दिया हुआ है, सिर्फ आप क्या डिस्कस करना है वापस उसी अप्रोच को। अगर स्केड्यूल 3 बैलेंस शीट दी हो तो क्या करना है, पिटाई कर देनी है मैंने अगर ये बात, इसीलिए पूछ लिया। अगर स्केड्यूल 3 बैलेंस शीट दी हो तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ऐसा बोला था हमने, सीधा नोट्स टू अकाउंट्स देखना है, जिस चीज के आगे नोट नंबर है उसको नोट्स टू अकाउंट्स देखूंगा। मैंने ये नहीं कहा था पूरी बैलेंस शीट काट दीजिएगा, लेकिन मन से वही निकलता है, इसीलिए वापस लेके आया हूं आपको। ये लो दोस्तों, पहले जरा बस नाम पढ़ लीजिए कंपनी का, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ, नाम ही ऐसा रखोगे तो फिर तो हालत बुरी होनी है ना। तो द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बैड लक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 आपको दिया हुआ है। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आगे देखिए ट्रेड पेबल के आगे कोई नोट नंबर नहीं है दोस्तों, इस फिगर को मैं यहीं से देखूंगा, राइट आगे पीपीई में टैंजिबल एसेट्स दिए हैं दोस्तों 5,50,000। वैसे इन टैंजिबल एसेट्स को हम क्या कहते हैं, अब इनका नाम क्या है दोस्तों टैंजिबल एसेट्स का, क्वेश्चन किसी भी नाम से बोल सकता है दोस्तों, लेकिन हमें बैलेंस शीट बनानी होगी तो विल पुट द नेम एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। इन टैंजिबल एसेट्स भी दिए हुए, ये सब नोट से देख लेंगे। ये तीनों चीजें मैं फेस से ही देखने वाला हूं और इन तीनों का नाम देख लीजिए एक बार जल्दी से। आईटीसी नहीं है, डी है, डी क्या है वहां पे, ये क्वेश्चन बोले या ना बोले मुझे खत्म करना ही करना है, राइट दोस्तों। अगर अब आप नोट्स देख रहे होते तो ये फिगर छूट जाएगी दोस्तों, ये फिगर फेस पे है, नोट्स पे दिखाई नहीं देगी, तो इसीलिए अप्रोच समझिए दोस्तों, जिस चीज के आगे नोट नंबर है उसकी डिटेल्स वहां से मिल रही है, वहां से उठाएंगे उसे, जिसकी नहीं मिल रही है वो यही से देखने वाले हैं। बढ़ाऊं आगे दोस्तों, ये लीजिए नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड इशूड एंड फुली पेड अप 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 2,500 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस है, क्या नेगेटिव यही पे दिखाया जाता है दोस्तों, ओके ये लॉस राइट ऑफ करना ही करना है अगर क्वेश्चन कुछ और ना बोले तो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 8% डिबेंचर्स आ रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स आ रहा है और बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, टैंजिबल एसेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट आ रहा है, इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल आ रहा है और ट्रेडमार्क आ रहा है, गुडविल के लिए क्वेश्चन ना बोले तो कर देंगे दोस्तों। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वॉज फ्रेम्ड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट ऑल द कंसर्न पार्टीज एंड इंप्लीमेंटेड, द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटन डाउन टू 25 ईच एंड इक्विटी शेयर्स टू 20 ईच, ईच क्लास ऑफ शेयर्स देन टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो पहले तो रिड्यूस कीजिए और फिर कंसोलिडेट कीजिए, राइट पहले जल्दी से एंट्री बोलिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए वाले हैं 2500 शेयर्स, उन्हें 25 वाला करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 वाला शेयर टू
preference share capital 25 wala, 2 capital reduction. Okay everyone, equity wala share bhi 100 rupaye wala hai aur usse convert karna hai 20 walon mein, reduce karke 20 walon mein. Equity share capital 100 wala account debit 2, equity 20 wala 2 capital reduction 80 rupees. अब कन्वर्ट करना है दोस्तों, प्रेफरेंस 25 वालों को कन्वर्ट कर देना है 100 वालों में. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 वाला टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 वाला कंसोलिडेशन है दोस्तों. यहां आपका अमाउंट चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएंगे. ओके, वैसे ही इक्विटी वाला, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20 वाला अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाला अकाउंट. राइट, नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू 2 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2,50,000 in part repayment of their holdings. Remaining freehold property to be revalued at 6 lakhs. Rukiyega dosto, pehle upar dekhe zara debenture holders. Debenture holders ko kya kya belong karta hai? Ye 5 lakh hai debentures ka. Kya koi outstanding interest aa raha hai? Face pe bhi dekh lo, koi cheez mark kari ho to. Nahi, to there is no outstanding interest. Debenture holders ko dena kitna hai? 5 lakh. Aur freehold property dekhe kitne ki aa rahi hai? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ रही है 4 लाख रुपए की. अब नीचे देखिए क्या कहता है, डिबेंचर होल्डर्स टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख थी एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2.5 लाख इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स. पार्ट क्यों बोल रहा है दोस्तों, टोटल 5 लाख लेना था और प्रॉपर्टी कितने की लेके जा रहे हैं, तो 2.5 लाख का ही तो क्लेम सेटल हुआ, तो पार्ट रीपेमेंट. बाकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की बच गई? 6 लाख. कितने की बच गई बुक्स में? बुक्स में बची 2 लाख की. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख की थी, इसमें से 2 लाख वाली दे दी आपने डिबेंचर होल्डर्स को. कितने में दे दी? 50,000 का फायदा यहां पर है, और बाकी जो 2 लाख की थी उसको वैल्यू किया, इस पे गेन है आपका 4 लाख. इज दैट ओके एवरीवन? तो टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है 4.5 लाख. बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट, डिबेंचर्स की लाइबिलिटी कितने से कम हो जाएगी? 2.5 लाख से. कोई एंट्री बोलना चाहेगा दोस्तों? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ा दूं दोस्तों? हाँ, कितने? पहले तो वैल्यू तो बढ़ानी है ना. अच्छा चलो, नेट एंट्री कर देते हैं. डिबेंचर कितने से कम करूं? 2.5 लाख. तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने से कम कर दूं? 2 लाख से. 2 कैपिटल रिडक्शन 50,000. राइट ना? ओके, अगली एंट्री में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ानी है, 2 लाख वाले को 6 लाख करना है, तो 4 लाख से बढ़ा देते हैं. तो एंट्री पास कर देते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू क्या लक्षण 4 लाख. मैंने जो, अगर आप समझ सके दोस्तों, जो आपने पहली एंट्री बोली, एक बार फ्लो में वापस देखिए. ये एंट्री बिल्कुल सही है जो आपने बोली है, लेकिन एक बार फ्लो में वापस देखिए. डिबेंचर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू क्या रिडक्शन, ये 50,000 का जो गेन आया है कहां से आया है? डिबेंचर होल्डर्स से या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से? पक्का ना दोस्तों? लेकिन आप जो एंट्री लिख रहे हैं उसमें क्या दिखाई देता है, जैसे डिबेंचर होल्डर्स ने 50,000 छोड़ दिए. वो गलत नहीं है दोस्तों, नेट इफेक्ट वही बनेगा एंट्री का. लेकिन एक बार सोच के देखिए हम क्या बात कर रहे हैं. आर द क्रेडिटर्स गिविंग अस अ डिस्काउंट ऑफ 50,000? नो, दे आर टेकिंग आवर प्रॉपर्टी एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2.5 लाख. हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है. तो आइडली स्पीकिंग, अगर एक आइडियल सिनेरियो की बात करूं, तो एंट्री पहले पास करनी चाहिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 4.5 लाख रुपीज. 50,000 एक पार्ट में बढ़ा और 4 लाख रुपए दूसरे पार्ट में, टोटल मिला के 4.5 लाख रुपए से इंक्रीज आ गया. अब बुक्स में डिबेंचर जो है वो 2 लाख 2 प्लस 2 ये दिया हुआ था पहले से. आपने इस वाले को 50,000 बढ़ा दिया, इस वाले को 4 लाख बढ़ा दिया. राइट एवरीवन? और फिर ये 2.5 लाख वाला आपने किसको दे दिया? अब एंट्री पास कर दीजिए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2.5 लाख रुपए. मेरी बात समझ आती है विवाद? बट आप किसी और तरीके से भी पास करेंगे, नेट इंपैक्ट यही बनेगा, और वो सारे वेरिएंट्स एक्सेप्टेबल हैं दोस्तों. इज दैट ओके एवरीवन? आगे, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स टू बी वेव्ड ऑफ इन फुल. डायरेक्टर्स लोन वेव कर रहे हैं. डायरेक्टर्स का लोन दिया हुआ था आपको 3 लाख. एंट्री बोल दीजिए, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स टू कैपिटल रिडक्शन. स्टॉक ऑफ 50,000 टू बी वेव्ड ऑफ, 12,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स. एंट्री बोलिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,500 रुपए. राइट, पीएनएल खत्म करना है तो टू पीएनएल. ट्रेडमार्क गुडविल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी खत्म करने हैं तो टू ट्रेडमार्क टू गुडविल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन सब के बाद भी अगर कुछ बच गया तो
ये लीजिए दोस्तों, लास्ट वन मिनट ले रहा हूं, बस एंट्रीज देख लीजिए फटाफट सर। क्या जो अभी आपने सोचा और बोला ये सीए इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है दोस्तों, पढ़िए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पर आपकी बैलेंस शीट विद द एंड रिड्यूस्ड राइटिंग, ठीक है जी, डन। चाहे क्वेश्चन ने कुछ भी बोला हो लेकिन हमारी बैलेंस शीट में जो नाम आएगा वो पीपीई आना चाहिए। चलिए नाउ, ओके एवरीवन, सो होमवर्क मार्क कीजिए। अब आप कंप्लीट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट आठ लिख देता हूं, आठ नंबर, 19th हो गया बेटा, वो वापस ले लिया था, रोल बैक करा दिया था ना हम लोगों ने, 19th 20th, और एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में आई थिंक 10th रह गया है दोस्तों, नहीं 10th तो कर लिया, 11th रह गया है, 9th तो कर लिया था बेटा, 9th रह गया है, 9th क्वेश्चन बेटा, बस यही है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं जैसे हमने क्लास में कवर किए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन।